आपने एक स्लोगन तो सुना ही होगा, चीनी हिंदी भाई भाई। लेकिन चीन एक ऐसा पड़ोसी देश है जो अपने पड़ोसियों को आंखें दिखाकर दबाव बनाने की कोशिश करता है। इसमें वो कई सालों तक तो सफल होता रहा, मतलब अपनी बात मनवाने के लिए चीन हर हथकंडा अपनाता है, चाहे उसके लिए किसी भी स्तर पर जाना पड़े। इस समय चीन काफ़ी परेशान है और परेशानी की वजह है कि भारत उसकी बात नहीं मान रहा। ऐसे में चीन भारत को आंखें दिखा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि किस मुद्दे पर, तो चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल चीन की एक कंपनी है हुआवे, इस कंपनी को लेकर चीन ने भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की, धमकी दी, लेकिन भारत ने भी करारा जवाब दिया। दरअसल चीनी कंपनी हुआवे पर भारत ने प्रतिबंध लगाने पर विचार किया। हुआवे 5G तकनीकी का पूरी दुनिया में प्रसार करने का काम कर रहा है, लेकिन अमेरिका, कनाडा, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने इस कंपनी पर इन देशों की सुरक्षा से समझौता करने और चीनी सेना के दबाव में काम करने का आरोप लगाया है और इस पर इसीलिए प्रतिबंध लगा दिया। साधारण भाषा में कहें तो चीन की ये कंपनी एक जासूस की तरह काम करने वाली थी। इसी के मद्देनजर कई देशों ने सुरक्षा के लिए खतरा मानकर इस पर रोक लगा दिया। इसके बाद अमेरिका और चीन के रिश्तों में खटास आई। जब कंपनी पर कई बड़े आरोप लगे तो भारत ने भी इस कंपनी पर प्रतिबंध लगाने की मांग की जाने लगी। तब चीन ने भारत के लिए चेतावनी जारी करते हुए कहा था कि अगर हुआवे पर भारत में व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया जाता है तो चीन अपने यहाँ कारोबार करने वाली भारतीय फर्म पर प्रतिबंध लगाने के लिए स्वतंत्र होगा। मतलब चीन एक तरह से भारत को धमका रहा था। इसके बाद भारतीय अधिकारियों ने चीन को उसी की भाषा में जवाब दिया। भारतीय अधिकारियों की तरफ से कहा गया कि अगर चीन अपनी चिंताओं को कूटनीतिक माध्यम से भारत सरकार तक पहुंचाता तो अच्छा रहता। अधिकारियों ने यह भी कहा कि चीन द्वारा खुले तौर पर भारत को धमकी देने की वजह से अब भारत सरकार के रुख में बदलाव आएगा और हुआवे को भी इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि चीन की कंपनी हुआवे को लेकर भारत की चिंताओं को व्यापार नीति नहीं बल्कि सुरक्षा की नीति से जोड़कर देखा जाना चाहिए। यहाँ आपको यह जरूर जानना चाहिए कि हुआवे कंपनी पर कई देशों ने बड़े गंभीर आरोप लगाए। इन देशों को शक है कि यह कंपनी उनकी सुरक्षा में सेध लगाकर महत्वपूर्ण जानकारियां चीनी सेना से साझा कर सकती है। इसीलिए पश्चिमी देश हुआवे को अपने यहाँ 5G ट्रायल करने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। वैसे पहले भी इस कंपनी पर आरोप लगे थे कि कंपनी अपनी सेवाओं के बदले अपने क्लाइंट्स के कुछ गोपनीय जानकारियां जुटाने की कोशिश कर रही थी। हुआवे के फाउंडर की बेटी और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मेंग वांझाऊ पर भी पहले ही फ्रॉड के चार्ज लगे हुए हैं। भारत में इस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई तो चीन आंखें दिखाने लगा। तो भारत की तरफ से भी साफ कर दिया गया कि अगर शांति से बातचीत की गई होती तो शायद यह स्थिति ना आती, लेकिन चीन आंखें दिखाकर डराकर अपनी बात मनवाना चाहता है तो भारत के रुख में अब परिवर्तन आएगा और इस कंपनी को भी नुकसान झेलना पड़ेगा। अब आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। भारत ने नेक्स्ट जनरेशन 5G सेलुलर नेटवर्क के इंस्टॉलेशन की बिडिंग प्रक्रिया को कुछ समय तक के लिए रोक दिया। हालांकि भारत सरकार की तरफ से अब तक चीनी टेलीकॉम कंपनियों को 5G बिडिंग प्रक्रिया में शामिल होने के लिए न्योता नहीं दिया गया। इसी से चीन की चिंताएं और बढ़ गईं। हुआवे 5G टेक्नोलॉजी वाली विश्व की बड़ी टेलीकॉम कंपनियों में से एक है जो इस वक्त अमेरिका और चीन के बीच जारी ट्रेड वॉर में फंसी है। खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मैं हूँ अविनाश, कैमरे में सहयोग कर रहे ललित कुमार, देखते रहे चौपाल।